मुख्यमंत्री के जनता दरबार में कई शिकायतों को लेकर लोग पहुंच रहे हैं। एक ओर जहां मुख्यमंत्री पहले से पंजीकृत शिकायतकर्ता की शिकायत सुन रहे हैं, वहीं जनता दरबार के बाहर भी काफी संख्या में लोग अपनी शिकायतों को लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन पूर्व में पंजीकरण नहीं कराए जाने के कारण उनकी शिकायतों को मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचाया जा सका है। ऐसे ही एक शिकायतकर्ता अपने पूरे परिवार के साथ अपनी बेटी की बरामदगी के लिए मुख्यमंत्री के जनता दरबार पहुंचे थे, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री से अपनी शिकायत दर्ज कराने का मौका नहीं मिला। मुख्यमंत्री सचिवालय के बाहर सपरिवार धरने पर बैठे एक पिता ने अपनी बच्ची की बरामदगी की गुहार लगाई है। दरअसल मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा थाना अंतर्गत रहने वाले राजेंद्र शाह की पुत्री का पड़ोस के ही एक युवक ने पिछले फरवरी में अपहरण कर लिया था, लेकिन अब तक उस 5 वर्षीय मासूम का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। लड़की के पिता सभी वरिष्ठ अधिकारियों के पास अपनी शिकायत दर्ज करा चुके हैं, लेकिन उनकी शिकायत पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपहरणकर्ता का नाम और पता बताने के बावजूद अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। मासूम खुशी के माता पिता और 3 छोटे भाई दर दर की ठोकरे खा रहे ताकि उनकी मासूम बेटी और बहन की बरामदगी हो सके। 16 फरवरी को अपहरण कर लिया अमन को, लेकिन अभी तक मेरी बच्ची नहीं मिली। क्यों नहीं मिली कि प्रशासन मुजफ्फरपुर के प्रशासन कोई काम ही नहीं कर रही है, उसको बचाने के फिर प्रशासन है। कौन लोग हैं जो इस तरह के काम करना आपको किसी पे शक है? हाँ, वो लड़का जेल में है, हमारे घर का बगल ही का है। वो लड़का घर भी आपराधिक छवि का है, जिसका मामा है। वो 10 साल पर रुपया छापते हुए और डिलीवरी करते हुए सीआरपी फोर्स के हाथ पकड़ा गया। वो 10 साल जेल काट के आ चुका है, उसी का भगना किया है। उसका पुलिस पकड़ के जेल में रख दिया, लेकिन उसे कोई सख्ती से पूछताछ नहीं किया है। उसको बच्चा वाला जेल में रख दिया, लेकिन उसका उम्र 20 साल है। अब वो सेंट्रल जेल में चला गया है। प्रशासन कुछ नहीं कर रही। हमको लग रहा है किसी अपराधी बड़े आदमी के हाथ है अपराधी को बचाने के लिए। एसएसपी साहब बोले कि तुम कहीं भी चले जाएगा ना, हम कुछ भी लिख पढ़ करके दे देंगे। तुम कहीं यहाँ से तुम राष्ट्रपति तक चले जाओ ना, हमारे जवाब खोजेगा, हम कहीं भी कुछ लिख पढ़ कर दे देंगे। आपको क्या लगता है कौन सब लोग मिले हुए? सब मिले हुए हैं। कोई बड़ा आदमी का हाथ है अपराधी को बचाने के लिए, तब तो या मुख्यमंत्री रेणु देवी से मिले हैं, माननीय मुख्यमंत्री से बेतिया में। तो बेतिया बोले कि अरे ये बच्चा सुंदर है, कोई ले गया होगा पोस पालने के लिए, बताइए। तो ऐसा बोलने का कोई तरीका है? उसका अगर बच्ची होती तो बिहार का पूरा पुलिस जगह जगह छान लग जाता। झगड़ा हुआ है क्या आपको? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात है। हम लोग साग सब्जी बेचने वाले, हम लोग दिन रात फुटपाथ पर साग सब्जी बेच के अपना अति कर रहे। पिछले बार भी यहाँ 1000 रुपया खर्चा करके बैठने हुए, एम पी भी आ रहे हैं 1000 रुपया खर्चा करके। कोई नहीं, हम लोग कर्जा पे आने लेके आते हैं, लेकिन हम लोग को उतना नॉलेज नहीं है कि रजिस्ट्रेशन करे क्या करे। कहाँ से? मुजफ्फरपुर जिला से। क्या नाम है आपका? राजन साहब। कौन है जिसका आप लोगों ने लगा है, जिसका इंजाम है, वो कौन है? बगल का लड़का, उसका घर चकिया पड़ता है सर, लेकिन शुरू से अपने बच्चे से मामा के यहाँ रहता है। उसका मामा, एक मामा है कि रुपया छापते हुए पकड़ाया गया है, 10 साल पर सजा काट के निकला है। उसका घर दूसरा टाइप का है। तो उन्हीं लोग कहाँ थे? हाँ, वही ले ही गया सर। लेकिन झगड़ा था? नहीं, कुछ झगड़ा नहीं था, लेकिन प्रशासन कोई बड़ा आदमी का हाथ लगा भी है तो भी नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं करा, कुछ नहीं, लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। मुजफ्फरपुर के कहाँ का? चकिया का? नहीं, मुजफ्फरपुर ब्रह्मपुरा थाना कांड का। ब्रह्मपुरा दुश्मनी नहीं निकली? नहीं,